चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में आपके पास कॉस की पावर क्या है, इवन है, और जब भी साइन या कॉस की पावर इवन होता है तो आपको एक ही तरीका होता है कि डिग्री रिड्यूस करनी होती है पहले, ठीक है। जब डिग्री रिड्यूस कर लेंगे लीनियर फॉर्म में आ जाएगा, मतलब 1 डिग्री के फॉर्म में आ जाएगा, तो वो इजिली इंटीग्रेबल होगा। तो चलिए देखिए कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला हम लोग यूज़ करके कैसे इसकी डिग्री रिड्यूस करते हैं। तो हम लोग जैसा जानते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस cos 2 थीटा / 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 1 प्लस cos 2 टाइम्स ऑफ दिस एंगल, दैट मीन्स 4x/2 हो जाएगा, ठीक है। ये क्या लिखा हमने, 2 थीटा 2 टाइम्स ऑफ 2x, ठीक है, 2 थीटा हो गया, तो इसे हम 4x लिख रहे थे, ठीक है, दैट इज 4x/2 dx। लेकिन ये तो cos स्क्वायर थीटा को लिखा जाएगा, है ना, तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज़ क्या है आपकी, cos स्क्वायर का होल स्क्वायर है ना, cos की पावर 4 थीटा है, तो ये वाला स्क्वायर अभी बचा हुआ है, ठीक है, ये होल स्क्वायर होगा। अब यहाँ से 2 का स्क्वायर अलग हो जाएगा, 4 बाहर आ जाएगा, दैट इज 1/4, और यहाँ पे हम a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे, a² + b² cos स्क्वायर 4x और प्लस 2ab 2 cos of 4x, ठीक है। ये करने के बाद आप देख पा रहे हैं कि दो टर्म, यहाँ पे 3 टर्म है, एक 1 है जो इजिली इंटीग्रेबल है, 2 cos 4x दैट इज ऑल्सो इजली इंटीग्रेबल, लेकिन इसकी समस्या है अभी, इसकी डिग्री रिड्यूस करनी है, तो फिर से cos स्क्वायर 2 थीटा का फॉर्मूला लगा देते हैं ना, तो इट कुड बी रिटर्न एज ए 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा को लिख देंगे हम लोग 1 प्लस cos of 2x of this angle, मतलब 8x अपॉन क्या हो गया आपका 2 हो गया, प्लस 2 cos 4x dx, ठीक है। तो ये काफ़ी आसान हो गया आपके लिए। अब ये 2 हम लोग बाहर कर लेते हैं ना, बाहर तब कर पाएंगे जब आप LCM ले लोगे, तो यहाँ पे 1 है आपका, तो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं एक तरह से, ठीक है। यहाँ पे भी डिनोमिनेटर 1, तो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं, तो हर जगह हमने डिनोमिनेटर 2 बना लिया, यहाँ भी, यहाँ भी और यहाँ भी, तो ये कॉमन डिनोमिनेटर हो गया, ठीक। तो एक सिंगल डिनोमिनेटर हमने 2 लिख दिया, 2 1 = 2 हो गया ये, है ना, और ये 2 और प्लस 1 क्या हो गया आपका 3 हो गया, तो यहाँ पे आप 3 लिख सकते हो, और ये 2 2 = 4 हो गया, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करें, ये जो 2 है ये बाहर कर लेते हैं, तो 2 4 = आपका क्या हो गया, ये 2 बाहर आ गया, तो यहाँ से डिनोमिनेटर फ्री हो गया, तो ये आपका पूरा 3 इंटीग्रेशन आ गए, एक 3 का इंटीग्रेशन है, cos 8x का इंटीग्रेशन है, और 4 times cos 4x का इंटीग्रेशन है, और हम लोग जानते हैं कि जो इंटीग्रेशन होता है दैट इज़ अ लीनियर ऑपरेटर, तो ये तीनों को सेपरेटली इंटीग्रेट कर लेगा, तो 1/8 times ब्रैकेट ओपन कर दे रहे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 3 dx एंड प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos ऑफ 8x dx एंड प्लस 4 कांस्टेंट है बाहर कर ले रहे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ cos ऑफ 4x dx हो गया, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। अच्छा, ये 3 हम बाहर कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 dx। अब 1 का बताइए एंटी डेरिवेटिव क्या होता है, सबसे आसान होता है x होगा, है ना, तो दैट इज़ 3 और इसका x आ गया, तो 3x हो गया, प्लस cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन होता है, तो cos का इंटीग्रेशन साइन होता है, लेकिन x होता ना, यहाँ पे 8x है ना, तो ये जो x का कोफिशियंट है ये हमेशा 1/8 में आ जाता है, दैट इज़ 1/8, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, cos 4x का साइन 4x/4 हो जाएगा, x का कोफिशियंट नीचे आएगा, और ये 4 और ये 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये आपका एक इंडेफिनिट कांस्टेंट हो गया, c हो गया, ठीक है। तो यहाँ बाहर 1/8 है, तो दैट इज़ योर फाइनल आंसर।